हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं फ्रेंड्स। बस सभी का प्रीमियर वगैरह करते करते अभी जो है समय करीबन 2:30 बजने वाले हैं और अभी एक आधा का प्रीमियर भी बाकी है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग का यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए। और खाना वगैरह तो आज दिखाने के लायक नहीं है कि मैं कुछ भी दिखाऊं या फिर कुछ भी शेयर करूं, लेकिन फिर भी जो कुछ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और खाना जो है ऑलमोस्ट मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है और ये देख सकते हैं कि मेरा हुलिया आप लोग नोटिस कर सकते हो फ्रेंड्स कि कैसा है। तो फ्रेंड्स अभी जब तक अब छुटका चलेगा तब तक यही दशा रहेगा और हमारे में रीत है, मीन्स जो भी बोलिए विधि विधान जो भी अब है, तो स्टार्ट जब तक से काम क्रिया जो होता है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक कुछ 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 मानना पड़ेगा। जैसे कि खाना वगैरह में परहेज रखना है, हल्दी तेल ये सब नहीं खाना है, छौंक नहीं लगाना है, बिल्कुल कॉमन सा खाना खाना है, जितना सादा हो उतना खाना है। और पहनावे में भी ये आप नोटिस कर सकते हैं कि बिंदी नहीं लगाना है और सिंगर वगैरह जो भी होता है वो सब नहीं करना है। हालांकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो ये सब जो है गले वले का मैं पहन के रखूँगी और जब मैं गांव में चली जाऊँगी तो ये सब भी खोल देना है, ऐसा मुझे किसी ने कहा है, लेकिन मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी इन सब चीज़ों से पाला नहीं पड़ा है। मेरी सासू माँ जब डेथ की थी तो मुझे कुछ कुछ याद है, बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो चलिए जो भी होगा देख लिया जाएगा। और रीत के आगे किसी का कहाँ चलता है, हमारे इंडिया में तो रीति है जो जिससे हम प्रचलित हैं, सभी रीति रिवाजों को मानते मानते जो है हम प्रचलित हो गए हैं बिल्कुल से। और फ्रेंड्स क्या भी बताऊँ, बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है कि ब्लॉगिंग करूं, बट करना भी एक मेरा जैसे काम है तो इसको तो करना ही है, मस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है मेरा जिसको मैं नहीं छोड़ सकती हूं। आगे आके देखती हूं कि वीडियो कहां जाके मैं कंटिन्यू करूंगी और देखती हूं, जब तक यहाँ हूँ तब तक ब्लॉगिंग का भी प्रोसेस जो है मैं कुछ कुछ रखूंगी ही। हालांकि मैं जब गांव में जाऊंगी कह नहीं सकती हूं कि मैं क्या करूंगी। फिलहाल चलिए मैं जो खाना बनाई हूं मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर दूं, क्योंकि रोज़ ही शेयर करती हूं तो आज भी कुछ बनता ही है। जब चटपटा खाती हूँ तब तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं सादा सादा सा खा रही हूँ तो वो भी मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स कि मैं दाल बनाई हूँ, तो दाल बिल्कुल प्लेन है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला सिवाय नमक के, सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक है जो देख सकते हैं। और बाबू का हो रहा है मुश्किल इस तरीके का खाना देख कर के, क्योंकि बच्चा मेरा कभी इस टाइप से खाया नहीं है और आज जो है उसको खाना पड़ेगा, ये सोच के बहुत घबरा सा गया है कि मम्मा पिछले 8 से 9 दिनों तक इसी तरीके का चलेगा तो मैं कैसे खाऊंगा। बट कोई बात नहीं, सभी लोग खाएंगे और बच्चे ये सब चीज़ों को देख करके सीखते हैं तो हमें सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कि मैं कमल ककड़ी का सब्ज़ी सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड करके बनाई हूँ, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, थोड़ा सा बस मसाला मैंने ऐड किया है और इसमें कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं, इसको देख करके आपको बहुत अटपटा सा लगता होगा कि कैसे खाना है, बट क्या करें, यही सब रीति रिवाज है जो मानना पड़ता है और आगे जाके यही सब चीज़ें हमें सफलता तक ले जाती है। जब तक हम रीति रिवाज मानते नहीं हैं तब तक कोई भी चीज़ जैसे किया सफल सा लगता है। वो लगता है कि कोमल बिटिया मेरी आ चुकी है और मैं देखती हूँ कि उसका क्या अट्रैक्शन होता है खाने को देख करके, क्योंकि उसको भी बिल्कुल से पसंद नहीं आता है इस तरीके का खाना खाना। और बच्चे हैं, नादानियाँ तो रहेंगे ही और हमें हमारा फ़र्ज भी है बच्चों को सिखाना। तो फ्रेंड्स जो भी बना था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कोमल बिटिया से पूछते हैं कि विदाउट हल्दी और विदाउट ऑयल के खाना खाएगी या नहीं खाएगी, इसको तो आज पता भी नहीं था कि आज ऐसा खाना बना खाएगी ना बेटा। खा लेना बेटा, खाया जाता है, ऐसे ही खाया जाता है। और फ्रेंड्स हमारे में रिवाज है कि हेयर कॉम्ब वगैरह सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाया जाता, बहुत सारे से डिफिकल्ट क्या बोलेंगे नियम है जो कि करना पड़ेगा। तो चलिए जो कुछ भी है मैं तो करूँगी, बट बच्चों का थोड़ा सा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला कि बच्चे इसी से सीखेंगे, तो जो भी है चलिए आगे आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को इन्जॉय से फुल वॉच करते हैं। दोस्तों ये शाम का क्लिप है और दोपहर के लंच वंच के बाद मैं जा रही थी मार्केट की ओर, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ लाना है जैसे कि फल फ्रूट्स वगैरह ये सब लेना है। तो चलिए दोस्तों फिर मार्केट जा कर के मिलती हूँ और मैं क्या क्या लेकर के आती हूँ तो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी बस मेरे साथ कुछ इसी यही सब रहेंगे फ्रेंड्स जो कि मैं उम्मीद के साथ शेयर करती हूं। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच करोगे और वीडियो को फुल वॉच करके वीडियो को लाइक भी करोगे फ्रेंड्स। तो चलिए फिर बढ़ते हैं। और मैं यहां पे थोड़ा सा पैसे वैसे देख रही थी पर्स में, क्योंकि इन दिनों कुछ
मन जो है उदास उदास सा रहता है, तो समझ में नहीं आती है सारी चीज़ों को, क्या क्या करूं क्या क्या नहीं करूं। तो यहाँ बेटी मुझे मजाक कर रही थी और मुझसे जो है मुझे वो हंसाने की कोशिश हमेशा ही करती रहती है। जब भी मैं थोड़ा सा चेहरा लटकाया हुआ रहूं तो वो मुझे कुछ करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे दिखा रही थी, मतलब पूछ रही थी कि मम्मा आप कितना पैसा लेकर के जा रहे हो, तो मैं वही चीज़ वहाँ पे उसको दिखा रही थी। तो चलिए दोस्तों, मार्केट में ये देखिए कि मैं पहुँच चुकी हूँ और फल फ्रूट जैसा कि मैंने बोला लेना है, सब्जी वगैरह थोड़े बहुत मैं लूँगी और बच्चों के खाने पीने का सामान, क्योंकि खाना जो है हमारे यहाँ भी जैसे तैसे बन रहा है, छुटका जैसे चल रहा है, मैंने बता दिया है। तो बस ये सब चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा सा मैंने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए घर में, और ले जाके मैं रेडीमेड ही सही थोड़े बहुत रखूँगी और बच्चों को खिलाऊँगी ताकि उनका भी मन लगा रहे। और यहाँ से देखिए कि मैंने सब्जी वगैरह भी लिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने सोहजन स्टिक लिया हुआ है, टमाटो वगैरह ये सब मेरे घट रहे थे तो मैं जाकर के ले आई हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए कि मैं घर की ओर जा रही हूँ और रात जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और ऐसे भी मार्केट निकलने के बाद जो है समय कैसे निकल जाता है इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है दोस्तों। और मैं अब जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ मॉर्निंग में, तो अभी देखिए कि इतना ज़्यादा साउंड इधर उधर के आ रहे हैं कि क्या मैं बताऊँ दोस्तों। इधर देखिए कि मैं घर आ गई थी और बाबू यहाँ पे अपना स्कूल वर्क कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ कुछ मैं ही देख लेती हूँ या करवा देती हूँ इसको, और जब साथ बैठो तो वो भी मन से करता है, बहुत अच्छे से करता है। और यहाँ देखिए कि मैं वही कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यस जो है बहुत अच्छे से लिखने में मन लगाता है, क्योंकि उसको लिखने में साफ़ सफाई एंड राइटिंग को करना ये सब उसको बहुत अच्छा लगता है और बहुत बखूबी से कर लेता है। और देखिए कि मैं थोड़ा सा ही उसको हेल्प कर रही थी और वो सारे चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर लेता है। और ये देखिए कि उसका एक्साइटमेंट भी आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि वर्क करने में उतना ही मन लगाता है दोस्तों। तो दोस्तों दिन भर के छोटे मोटे काम मैंने कर लिया है और घर आकर के बाबू का भी स्टडी जो भी वर्क वगैरह था तो मैंने करवा दिया है। और आप करना होगा वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि अभी जो वीडियो है मेरा सोच के नहीं निकाल पाती हूँ कि कहाँ से क्या करूँ, क्योंकि सारा मतलब सादा सादा सा हो गया है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, क्या करूँ नहीं करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए जो भी है अपडेट्स मेरे से जो भी पॉसिबल हो रहे हैं तो मैं उसको करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी। शायद मैं कहीं पे फेलियर हो जाऊँ तो ये भी नहीं कह सकती हूँ फुल डेफिनेट के साथ कि मैं करूँगी ही। और यहाँ देखिए माथे पर बिंदी नहीं लगा हुआ है, तो अजीब सा कुछ चेहरा मेरा दिख रहा है। और इधर मेरी छोटकी गुड़िया रानी पढ़ने बैठी है। तो यही सब था फ्रेंड्स जो कि आज मैंने दिन भर अपना कुछ कुछ किया हुआ है। क्या बेटा क्या करना है इसको, खाना। तो चलिए दोस्तों फिर आगे के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक आज आप लोगों से मैं ले लेती हूँ विदाई और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।